हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इट इज़ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे ये है पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो आज जो कुछ बातें रह गई थी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो उसको हम आगे कवर कर लेते हैं, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो आज जो पहला टॉपिक है ये होगा पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी टाइम पर, किसी इंस्टेंट पर पोजीशन क्या होती है पार्टिकल की, वो हमें पता करना है कि टाइम टी बाद ही पार्टिकल कहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है, आपने इसको ओरिजिन से थ्रो किया किसी एंगल पर, ग्राउंड से किसी एंगल पर आपने थ्रो किया और इसने इस तरह के पाथ को किया एक्वायर, और यहां पर आकर ये गिर गया फाइनली। तो पैराबोलिक पाथ पे आता है, हमने कल निकाल लिया था पहले ही। इसकी जो इनिशियल स्पीड थी ये है u, और जो ये एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल ये है थीटा। तो जो कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जिसको हम बोलते हैं यू एक्स, वो होता है यू कॉस थीटा, कल ही हम कर चुके हैं। और जो कंपोनेंट आएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो यह वर्टिकल डायरेक्शन में, वो हो जाएगा आपका यू साइन थीटा। वाई का मतलब वर्टिकल है, यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब किसी इंस्टेंट आप मान लीजिए आपका पार्टिकल जो है वो यहां पर आ जाता है इस जगह पर। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट है ये हो गए मान लीजिए आपके x, y। आपको x और y पता करने हैं, x और y आपको पता करना है। क्लियर है भाई? तो x और y एक्चुअल में कैसे निकलेंगे देख लीजिए। ये मान लीजिए इस तरह से हम डाल देते हैं परपेंडिकुलर x और y एक्सिस पर, तो यह आ जाएगा आपका y और यह आ जाएगा आपका x। अब हम बात कर लेते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की अलग और मोशन अलोंग वाई एक्सिस की अलग से बात कर लेंगे। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पहले कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के मोशन की बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो थी वो थी यू कॉस थीटा। ठीक है भाई, अच्छा यहां से इस जगह पहुंचने में टाइम इसको टी लग गया है, जो टाइम लगा है इसे कितना लग गया है टी। तो यहां पर टाइम t इज इक्वल टू जीरो था और वहां पर टाइम बढ़कर हो गया है t। तो और जो इसने डिस्टेंस कवर करी है x एक्सिस के लॉन्ग, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो हो गया x। जब यहां से यहां पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी अलोंग x एक्सिस। अच्छा टाइम इसे लग गया भाई t, और x एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सिलरेशन होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सिलरेशन होता है वो होता है जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही काम नहीं करता। अब यहां से अगर हम देखें सेकेंड इक्वेशन से, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए एक्स मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, और एस एक्स आपका एक्स के बराबर है ही, प्लस जीरो आ जाएगा क्योंकि ए एक्स क्या है जीरो है। तो एक्स तो आपका आ गया यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी, एक्स कंपोनेंट था वो तो आपका आ गया यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, एक्स निकल आया। अब हम बात कर लेते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस अगर हम देखते हैं तो जो इनिशियल स्पीड थी अलोंग वाई एक्सिस वो थी आपकी यू साइन थीटा। ठीक है, और इसमें भी टाइम आपको टी लग गया है, जो एक्सिलरेशन था वाई एक्सिस के अलोंग वो होता है माइनस जी, और जो डिस्टेंस चली गई है वाई एक्सिस के अलोंग वो है वाई। ये अगर यहां पर हम सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं तो यह आ जाएगा वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन आप लगा दो इसमें, आपका यह आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एट इंस्टेंट टी।
तो जो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा किसी इंस्टेंट टी पर, वो कितना आ जाएगा भाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहां से आपका आर वेक्टर इजिली निकल आएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा देखिए, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा मल्टीप्लाई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अगर हम पोजीशन वेक्टर को दिखाना चाहें फिगर में, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है यहां पर, तो ओरिजिन से आपका जो पार्टिकल है, जो उसकी पोजीशन है, उसको आप मिला दें डायरेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा भाई यहाँ पे, जो पोजीशन वेक्टर आपका वो ये आ जाएगा सीधा ऐसा, ये आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से हम किसी पार्टिकल की पोजीशन किसी इंस्टेंट निकाल सकते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हैं, उसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर करी है वो पता कर सकते हैं, और उसने वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर करी है वो भी पता कर सकते हैं। तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस हो गई, और पिछली वाली जो निकाली थी मैंने वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस थी, और पोजीशन वेक्टर आपके सामने। तो इस तरह से पोजीशन आप किसी इंस्टेंट निकाल सकते हो इजिली, ठीक है। तो ये तो होगी पोजीशन एट एनी इंस्टेंट की बात। अब हम ऐसे निकालेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो ये पोजीशन वेक्टर है आपका आर वेक्टर जो मैंने बना दिया, इसको आप चाहो तो फिगर में बना सकते हो, आपका आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ही चल रहा है अब, इसमें देखते हैं जो अगला है। तो हमने जो बातें कवर कर ली हैं अभी तक, वो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और आज हमने किया है पोजिशन एट एनी इंस्टेंट। तो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक रहेगा, इसी अगली सब हेडिंग रहेगी इसी टॉपिक की, वो है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है भाई, तो अगर हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट की, तो ये क्या आएगी देखते हैं भाई। तो इसमें वही फिगर रहेगा, फिगर तो कोई चेंज करना ही नहीं है आपको। अगर हम देखें तो एक पार्टिकल को हमने थ्रो किया इस तरह से, और वो आकर ऐसे गिर गया, ठीक है फाइनली। तो स्टार्टिंग में जो इसकी इनिशियल स्पीड थी वो थी कुछ इस डायरेक्शन में, जिसको हमने बोल दिया यू, ये एंगल थीटा बना रही थी, और कुछ टाइम बाद जो पार्टिकल है वो यहां कहीं पहुंच जाता है, और उसकी जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल वो आ गया वी। अब वेलोसिटी क्या आ गई भाई, वी इस तरह से, ठीक है। ये कंपोनेंट आपका आ जाएगा वी एक्स, और ये कंपोनेंट आपका आ जाएगा वी वाई, ठीक है। जैसे यहां पर था आपका यू एक्स, और यहां पर क्या था, यू वाई था, इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। ये इस हेडिंग को मैं यहां से हटा देता हूं, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है। जो वेलोसिटी आएगी यहां पर वो हो जाएगी v आपकी, ये v y, ये v x, हेडिंग आपकी बताइए आपको वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट थी, ठीक है। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो ये आपका फिगर है। अब इसमें निकालना क्या है हमें, एक तो निकालना है v y कितना आएगा, और एक हमें निकालना है v x कितना आएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, आपको दोनों एक्सिस के अलोंग को जो मोशन है उसको सेपरेटली सॉल्व करना है। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम करते हैं तो वहां से हमें वी एक्स चल जाएगा पता। अब देखिए यू एक्स क्या है भाई आपका, यू कॉस थीटा, टाइम मान लेते हैं इसको टी टाइम, जब ये यहां पर पहुंचा तो टाइम टी बीत चुका था, ठीक है।
यहाँ पर टाइम क्या था, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था। तो आफ्टर टाइम टी इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हम पता करने चल रहे हैं। तो टाइम हमने मान लिया टी के इक्वल है, टाइम स्पेंड हुआ है वो टी के इक्वल था। एक्सिलेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो आता है, हम कई बार कर चुके हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही काम नहीं करता, और जो इसकी वेलोसिटी है वो हमें निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज हो जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, तो जब डिस्प्लेसमेंट ना दिया हो तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ही यूज करनी होती है। तो वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई टी। तो यहां से आपका जो वी एक्स आ जाएगा वो सीधे किसके इक्वल आ जाएगा, यू एक्स के, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका जीरो है। तो मैंने वैसे भी आपको बता दिया था पहले भी कि जो वी एक्स है वो हमेशा यू एक्स के इक्वल ही आता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो वी एक्स इसका मतलब हो गया यू कॉस थीटा के बराबर। यहां से आपने वी एक्स तो निकाल लिया। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सेस। तो मोशन अलोंग अगर हम वाई एक्सेस करते हैं तो उस केस में आपका जो आंसर आएगा, यू वाई आपको दे रखा है यू साइन थीटा, ए वाई आपको पता है माइनस जी के इक्वल लेना होता है यहां पर, और टाइम जो है वो तो टी ही है। वी वाई आपको पता करना है, तो वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई क्या है भाई आपका, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी आपका आ गया वी वाई। वी एक्स और वी वाई जब हम निकाल चुके हैं तो अगर हम बात कर लेते हैं वी वेक्टर की, नाउ वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी, तो ये जो v वेक्टर आपका आएगा ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, क्योंकि वी एक्स क्या है एक्स एक्सिस के लोंग है तो उसमें तो आई कैप लग जाएगा, और वी वाई क्या है वाई एक्सिस के लोंग है तो उसमें लग जाएगा आपका जे कैप। क्लियर हो गई बात। यहां से v वेक्टर आ गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब वी एक्स और वी वाई आपको पता है तो वैल्यू पुट कर देते हैं आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। तो v वेक्टर जो आएगा, एक तो ये आ गया आपके पास सीधे सीधे, अभी आ जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अगर हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए हो, मोड ऑफ वी निकालना है, सिर्फ वैल्यू चाहिए हो, तो हम जानते हैं आई और जे के मल्टीपल का स्क्वायर कर देते हैं, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो यहां से जो थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, वरना आप इसे यहीं भी छोड़ सकते हो। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा जी मल्टीप्लाई टी, रूट के अंदर आ जाएगा ये पूरा सिस्टम, ठीक है। यहां पे आप छोड़ सकते थे और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकल, तो इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर आपका जो आ जाएगा यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है, प्लस आ जाएगा आपका जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस आ जाएगा टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई जी इंटू टी। तो ये आ गया आपका फाइनल जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड, फाइनल जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा। तो भाई ये आ गया आपका आंसर, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया और ये स्केलर फॉर्म में आ गया, ठीक है। वी वेक्टर को हम इस तरह से भी लिख सकते थे, वी वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी इंटू जे कैप। कैसे, u cos थीटा आपका u x के इक्वल होता है और u sin थीटा आपका u y के इक्वल होता है। तो आप यहां से भी इस तरह से भी अगर आपको u x और u y दे रखे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इस केस में जो मॉड ऑफ v आता है वो क्या आ जाएगा, रूट u x स्क्वायर
प्लस यू वाई माइनस जी टी का होल स्क्वायर, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। मोड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई माइनस जी टी का होल स्क्वायर। यह आ गया आपके पास फाइनली वेलोसिटी। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वेलोसिटी है आफ्टर इंस्टेंट टी कितना एंगल बनाती है जमीन से, तो एंगल भी पूछा जा सकता है। तो मान लेते हैं भाई जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो अभी बन रहा है आपका अल्फा, जैसे यहाँ पर थीटा बन रहा था तो अभी यह बन जाएगा यहाँ पर अल्फा। हमने मान लिया एंगल बन रहा है अल्फा, यहाँ पर आप एंगल अल्फा दिखा दो, ठीक है। अब इसको मैं सेपरेटली बना लेता हूँ एक बार, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको नोट कर लो। अब देखिए इसमें क्या है आगे कि मान लीजिए आपके पास ये वेलोसिटी है v, ये है vx और ये क्या है आपका vy, है ना। हम जानते हैं जो कंपोनेंट आते हैं वो इस तरह से, यहां पर आ जाएगा आपका ऐसा, यहां पर आ जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। ये आपका क्या है, ये तो आपका v वेक्टर है जो यहां पर क्या एंगल बना रहा है भाई, अल्फा एंगल बना रहा है। इस फिगर को हमने यहां पर अलग से बना लिया है, तो ये आ गया आपका vx और ये आ गया आपका vy। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी मान लीजिए किसी टाइम पे किसी इंस्टेंट टी पर अल्फा एंगल बनाती है, तो अल्फा एंगल कितना आएगा वो भी आप पता कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें ध्यान से, तो ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो जो फॉर्मूला होता था यहां पर अगर रिजल्टेंट, देखिए वी क्या है, वी एक्स और वी वाई का रिजल्टेंट है, जो वी है वो वी एक्स और वी वाई का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट अगर किसी एक वेक्टर से एंगल बनाता है अल्फा, मैं अलग से बता देता हूं आपको ये बात। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर आपका बी वेक्टर है, और ये उनका रिजल्टेंट है आर वेक्टर, ठीक है। और ये एंगल बनाता है अल्फा विद ए वेक्टर, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आता था, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, किसके ए और बी के बीच का एंगल क्या है थीटा। तो अगर ए से एंगल बनाता है तो आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर थे जो आपस में थीटा एंगल पर काम कर रहे थे, अगर ये रिजल्टेंट है आर वेक्टर इन दोनों का, तो टेन आर वेक्टर अगर ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता है तो टेन अल्फा का फॉर्मूला ये आया था, ठीक है। ये इसको आप सीधे पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो, अगर ये वी वाई रहेगा तो ये क्या रहेगा आपका वी वाई, ये क्या रहेगा वी वाई, और ये क्या रहेगा वी एक्स, और ये क्या है आपके पास v। चाहे तो इस फॉर्मूले से कर लीजिए चाहे पाइथागोरस थ्योरम से, दोनों से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं हम यहां पर, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा भाई, tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका vx एंगल बनता है तो vy ऊपर आएगा, vy और x और y के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री, तो sin 90 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई vx प्लस वी वाई कॉस 90। तो यहां से आपका टेन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से मैंने क्या किया, या फिर इसका अल्टरनेट आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर अगर समझना चाहो तो, या आपके पास वी एक्स और वी वाई दो चीजें थी इस तरह से, ठीक है। ये आया था आपका रिजल्टेंट वी वेक्टर, अगर इसकी लेंथ वी वाई आ रही है तो ये लेंथ भी क्या आ जाएगी वी वाई, इतनी लेंथ जो आएगी, ठीक है। और ये लेंथ क्या है आपकी वी एक्स, किसी वेक्टर की जो लेंथ, जैसे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली, तो जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ आती है वो आती है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर, तो ये आ जाएगा आपका वी के बराबर लेंथ जो आएगी इसकी। यहां पर आपका एंगल टेन अल्फा बनी रहा है, तो अगर यहां से टेन अल्फा देखें तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा वी वाई सीधे और अपॉन में हॉल का जो बेस है वो आ जाएगा वी एक्स। यहां से भी सेम आंसर जो यहां से आ रहा है देखिए वही यहां से भी आ रहा है, चाहे तो आप वेक्टर वाले फॉर्मूले से कर लो और चाहे तो आप सीधे इससे कर दो, ठीक है, दोनों से आपका आंसर वही आना है। अब देखिए अल्फा कैसे निकालेंगे, वी वाई आपको पता ही है, तो वी वाई क्या जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू, वी वाई आपका आया था यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, और वी एक्स आपका आया था यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा।
थीटा। तो आप यहां से अपना आंसर पता कर सकते हो कितना एंगल ये बनाएगा किसी इंस्टेंट जमीन से। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अल्फा निकाल दिया हमने, कितना एंगल बन रहा है वेलोसिटी का वो भी निकाल लिया, और किसी वी की वैल्यू निकाल दी वेक्टर फॉर्म में भी और स्केलर फॉर्म में भी। तो अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, जो सब कुछ नोट कर लेगा, चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से, आपका आंसर वही आने वाला है। यहाँ पे पुट करूंगा तब भी ये आंसर आएगा। तो आगे बढ़ सकते हैं, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका। Velocity at any position, तो velocity at any instant अलग होता है, velocity at any position आपका अलग होता है। इसमें क्या आपको टाइम नहीं दिया होता, इसमें आपको दिया होता है कि कहां पर पार्टिकल पहुंच चुका है, उसकी पोजिशन आपको दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। कुछ इस तरह से आपका पैराबोलिक पाथ आ गया। ठीक है, ऐसा। अब इसमें क्या है, आपका पार्टिकल इनिशियली यहां पर था कहीं, तो उसकी वेलोसिटी आपको वही लेनी होती है u, ये एंगल थीटा बना रहा था, यहां पर जो आएगा वो हो जाएगा यू एक्स, यहां पर जो आएगा सामने वो हो जाएगा यू वाई कंपोनेंट। यू एक्स और यू वाई आपको पहले से पता ही है। अब किसी समय जब इसकी पोजीशन एक्स कॉमा वाई पे थी, मतलब ये पार्टिकल एक्स कॉमा वाई पॉइंट पर पहुंच गया था, यहां पर पार्टिकल आपका पहुंच चुका है, तब आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। यह आपका हो जाएगा वी एक्स, यह आपका हो जाएगा वी वाई, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई। जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई। अब की बार टाइम नहीं दिया हुआ, मैं जैसे पिछली बार टाइम दिया था, इस बार में टाइम नहीं दिया हुआ। ये आपका हो जाएगा वाई और ये आपका हो जाएगा सीधे एक्स, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स कॉमा वाई। तो किसी समय जब ये पोजीशन इसकी एक्स कॉमा वाई है, भाई स्टार्टिंग में क्या थी पोजीशन इसकी, जीरो कॉमा जीरो, अब इसकी पोजीशन क्या है एक्स कॉमा वाई। तो जब ये पोजीशन एक्स कॉमा वाई पर है तब इसकी वेलोसिटी क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें टाइम आपको नहीं दिया होगा, टी नहीं दिया होगा आपको। ठीक है, चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। हम बात कर लेंगे पहले मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हम करते हैं, तो यू एक्स क्या आता है भाई, यू कॉस थीटा। ठीक है, ए एक्स हम जानते हैं जीरो होता है, ये बार हम कर चुके हैं। टी इस बार हमें दिया नहीं है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये आ गया आपका एक्स के बराबर, और आपको वी एक्स का पता लगाना है। थर्ड इक्वेशन जब टाइम ना दिया हो तो आपको थर्ड इक्वेशन यूज करनी होती है, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स और एस एक्स। तो यू एक्स क्या था आपका, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस जीरो आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका वी एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो वी एक्स आओ तो आप वी एक्स भी निकाल सकते हो, वी एक्स आपका आ जाएगा यू कॉस थीटा। तो वी एक्स मालूम चल गया हमें, वी एक्स मालूम चल गया। सिमिलरली हम कर सकते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस करेंगे तो u y क्या आ जाएगा भाई, u साइन थीटा, a y क्या था आपका माइनस g, s y क्या है y डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है ये, और जो इसकी वेलोसिटी है v y वो आपको पता करने। थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, तो v y का स्क्वायर हो जाएगा u y का स्क्वायर, का मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू इंटू ए वाई आपका g आ जाएगा, ए वाई की जगह माइनस तो माइनस आगे आ गया, और मल्टीप्लाई एस वाई आपका वाई के इक्वल है, तो यहां से आपका वी वाई भी निकल आया। तो वी वाई जो फाइनली आपका आ जाएगा वो आ जाएगा रूट यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई, ये आ गया आपका वी वाई। अब इसमें टाइम कहीं भी नहीं लिया है हमने, हमने क्या लिया भाई, इसको ले लिया हमने एक्स और वाई के टर्म्स में। तो आपको एक्स और वाई दे रखे होंगे, आपको यहाँ पर पुट, यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं, यू कॉस सीधे आता ही हमेशा, आपको यहाँ पर वाई पता होना चाहिए, आप आंसर निकाल सकते हो। इनिशियली यू पता होगा, थीटा पता होगा और वाई पता होगा, तो आप वी वाई निकाल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं वी वेक्टर की। तो वी वेक्टर क्या आएगा भाई, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स क्या था आपका, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई जे कैप, ये आ गया आपका वी वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, है ना। और हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए हो, हमें क्या चाहिए हो भैया, इसकी सिर्फ वैल्यू पता करनी हो, तो वैल्यू क्या जाएगी इस बार, मोड ऑफ वी वेक्टर जो आएगा वो होता है रूट, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा, तो यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई आपका आंसर आ गया, तो ये मॉड ऑफ वी आपका आ जाएगा सिमिलरली, ये आपका आ जाएगा v रूट के अंदर, ये v की मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास, ये वेक्टर फॉर्म हो गया और ये वैल्यू हो गई, क्लियर है भाई। चलिए तो अच्छी बात है। अब अगर हमें वही पिछली बार की तरह एंगल निकालना हो, फिर कितना एंगल बनाएगा जमीन से इस इंस्टेंट, तो मान लेते हैं ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था टेन अल्फा क्या आता है, इस केस में टेन अल्फा आपका आता है वी वाई अपॉन में वी एक्स, है ना। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है तो आपको याद रखना है हमेशा के लिए, अगर दो कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं किसी वेक्टर के, तो इस तरह से वापस कर दूंगा आपको। मान लीजिए आपके पास ये दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी है, इनका रिजल्टेंट अगर आर वेक्टर दे रखा हो, ये ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाएगा, तो हमेशा टेन अल्फा क्या आ जाएगा, बी बाई ए आ जाएगा, ठीक है। ए और बी अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो आप याद कर लो हमेशा के लिए, अगर 90 का एंगल बनाएंगे तो आपका आंसर यही आएगा हमेशा। दो वेक्टर से अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनका रिजल्टेंट आर वेक्टर हो और वो ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता हो, तो टेन अल्फा आ जाएगा हमेशा बी अपॉन ए। तो ऐसे यहां पर बी वाई अपॉन बी एक्स हो जाएगा, ये वी वाई की वैल्यू आप निकाल चुके थे, तो वी वाई की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई अपॉन में यू कॉस थीटा, ये आ गया आपका टेन अल्फा, जो एंगल बनेगा इसका किसी इंस्टेंट अल्फा, जमीन से इंस्टेंट नहीं, जब ये एक्स कॉमा वाई पोजिशन पर पहुंच जाएगा, तो जो इसकी वेलोसिटी है वो जमीन से जो एंगल बना रही होगी, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा इसका अल्फा, वो हो जाएगा आपका ये अल्फा एंगल किससे, हॉरिजॉन्टल से, किसका, वेलोसिटी का, ये आ गया आपका वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, इस तरह से निकलती है आपकी वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, क्लियर है भाई। तो चलिए इसको मैं कर देता हूं इरेज, मैं सारे फॉर्मूले एक बार आपके लिख देता हूं। ये आपका मान लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है भाई। तो इसमें ये क्या होता है, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये होता है एच, इसको बोलते हैं आर, ठीक। मान लेते हैं पार्टिकल यहां पर आ गया है, टाइम टी है, जो इसकी पोजीशन है वो एक्स कॉमा वाई है, यहां पर जीरो कॉमा जीरो थी, यहां पर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था, ठीक है। तो जो अब वेलोसिटी है इसकी, ये हो जाएगी वी
यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा उसको बोलेंगे वी एक्स, यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा उसको बोलेंगे वी वाई। जो स्टार्टिंग में था इसको बोलते हैं हम हमेशा यू, यहाँ पर एंगल थीटा था आपको दिया होता है ये सारी बातें। तो हमारे पास जो फॉर्मूले निकल कर आए थे एक बार हम वापस कर लेते हैं, जो इसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आई थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया था आंसर, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई थी। फिर हम बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आया था कैपिटल टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, यही इक्वल होता है टू इंटू यू वाई अपॉन में जी के। यू वाई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो ये हो गया आपका यू वाई, ठीक है। बस और बता देता हूँ साफ साफ, जी आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू, चलिए इसको छोड़िए इसको बाद में लिखेंगे वी आर के टर्म्स में, अभी ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपके पास। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट की, ये आती है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, इसको हम बोल सकते हैं यू वाई स्क्वायर अपॉन में जी। मैक्सिमम हाइट आ गई, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज जो आती है आर इज इक्वल टू आता था आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, इसको हम बोल सकते हैं यू एक्स टू इंटू यू एक्स मल्टीप्लाई यू वाई अपॉन में जी। ये आपके पास रेंज का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लें अलग से। इसके बाद वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन एट एनी इंस्टेंट आया था अपने पास, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, तो पोजीशन एट एनी इंस्टेंट जो आया है हमारे पास ये आपका आया था आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आपका आया था यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा मल्टीप्लाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ये आ गया था आपका आर वेक्टर। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे यू एक्स इंटू टी आई कैप प्लस यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जे कैप, ठीक है। तो ये पोजिशन एट एनी इंस्टेंट आ गई थी आपकी, है ना। और अगर हम देखें इसका वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इस केस में जो आई है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो जो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट है इसकी, ये आई थी v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी एक्स आपका आता है u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर था आपका। और जो इसका मॉड आया था वो आया था आपका रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई जी इंटू टी, ये आपका इसकी वैल्यू आई थी।
और जो इसका एंगल बनता है यहां पर अल्फा, तो टेन अल्फा क्या आया था आपका, टेन अल्फा आता है आपका वी वाई अपॉन में वी एक्स, तो यहां पर यह आया था यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में यू कॉस थीटा। तो ये आपकी दो बातें आती है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट और वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी एट एनी पोजीशन आया था वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो ये आपका आ जाता है उस हिसाब से यू कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस रूट के अंदर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई जे कैप मोड ऑफ वी वेक्टर जो आता है यहां पर वो आपका आता है रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई, और टेन अल्फा जो आता है सीधे सीधे वी वाई अपॉन वी एक्स लिखेंगे यहां पर भी इसको, यह आपका आ जाएगा, ये पिछली बार का था नोट कर लिया होगा आपने। अब टेन अल्फा कितना आ जाएगा, तो वी वाई की वैल्यू है आपका रूट वी वाई आपका आता है रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी इंटू वाई अपॉन में आ जाएगा यू कॉस थीटा। तो ये आपके पास सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो इतनी बातें हमने पढ़ी थी आज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, तो कल कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।